हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इंटरनेट तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करते ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, आपको इस ट्रिक्स के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ज्यादा इंटरनेट को यूज करते हैं, और दोस्तों क्या होता है कभी कभी आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट खत्म हो जाता है, फिर आप दोस्तों सोचते हो यार मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करूं या कोई भी वीडियो कैसे देखूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट खत्म हो चुका है, आप किसी और के मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करके अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, अभी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है इस वाली ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के लिए, आपको क्या काम करना है दोस्तों, अपने मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग में आना है। आपको दोस्तों किसी का भी मोबाइल ले लेना है, जैसे दोस्तों ये अभी आपका मोबाइल फोन है और ये आप किसी का भी मोबाइल ले सकते हैं। अब दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर अभी इंटरनेट है और इसके अंदर इंटरनेट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मोबाइल फोन से आप इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों अभी इस मोबाइल फोन के अंदर सब चीज चल रही है, जैसे मैं यूट्यूब सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ कि इस वाले मोबाइल फोन से आप इसमें भी इंटरनेट चला पाओगे। आपको दोस्तों यहाँ पर आना है अपनी मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर, ठीक है। आपको दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आ जाना है, हॉटस्पॉट टिथरिंग, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, इस मोबाइल फोन की यहाँ पर हॉटस्पॉट को इस तरीके से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और चेक करना है कि इस वाली हॉटस्पॉट का पासवर्ड क्या है। दोस्तों जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो आपका जो इस वाले मोबाइल फोन का पासवर्ड है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको डालना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर दोस्तों देख लेना है कि आपका यहाँ पर पासवर्ड क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर ये पासवर्ड आ रहा है, यदि दोस्तों आप इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके दोस्तों आप पासवर्ड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 0 लगा लिया है, और दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से ओके कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, आपको यहाँ पर इसे बैक कर देना है, ठीक है, बैक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस मोबाइल फोन के अंदर आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक साइड आ जाना है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है वाईफाई कहाँ पर है, वाईफाई इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों यदि आपको दोस्तों वाईफाई इस तरीके से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नॉट कनेक्टेड बता रहा है। अब दोस्तों आपको ऊपर की साइड एक क्लिक करना है, वाईफाई पर आपको दबाकर रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी नेटवर्क हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले मोबाइल फोन का इंटरनेट बता रहा है, इस मोबाइल फोन का नाम बता रहा है, आपको दोस्तों उस पर क्लिक करना है। और दोस्तों जो मैंने वहां पर लगाया था पासवर्ड, दोस्तों आपको उस मोबाइल फोन के अंदर आना है इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका यहाँ पर क्या पासवर्ड है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों 4 बार 9 1 2 3 4 और दोस्तों आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका पासवर्ड है वो दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये मोबाइल फोन इस वाले मोबाइल फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों क्या होगा, आप इस मोबाइल फोन के अंदर भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज आपको पता लग चुका है कि इस तरीके से दोस्तों आप एक मोबाइल फोन के जरिए से दूसरे मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए आपका दिन शुभ हो।